नमस्कार, मैं विशाल आज एक नए मुद्दे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री की कानून व्यवस्था और जनता क्या चाहती है योगी आदित्यनाथ के सरकार के बारे में। देखिए, कार्यकाल तो बहुत ही अच्छा चल रहा है उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार का, लेकिन जनता भी कुछ नाराज है। जिस तरीके से सरकारी डिपार्टमेंट में लोग चक्कर काटते हैं, अधिकारी मानते नहीं हैं, बिना दलाल के बिना घूस लिए हुए काम नहीं होता। कुछ ऐसे डिपार्टमेंट है भी जहाँ जैसे आरटीओ विभाग हो गया, बिजली विभाग में व्यवस्था सही करी गई है जिसमें ऑनलाइन किया गया है, कुछ व्यवस्था बिजली विभाग की भी सही है। आरटीओ में बिना दलाल के काम नहीं होता है, अधिकारी इतनी चक्कर दौड़ा देते हैं कि जनता बहुत परेशान हो जाती है। उसके बाद अभी देवरिया में आप देख सकते हैं, देवरिया में जो कांड हुआ, सभी लोग जा रहे हैं मिलने नेता से, बड़े बड़े नेता जा रहे हैं। वहीं कानपुर में डबल मर्डर हुआ, निनिया गांव में गजनेर के, वहां कोई भी नेता नहीं गया भाजपा का, खाली एक नेता गए थे भाजपा के। इससे भी विश्वकर्मा समाज भी बड़ा नाराज है। विश्वकर्मा समाज का ये भी कहना है कि एक तरफा वो हो रहा है जातिवाद की तरफ से, यहाँ कोई आना चाहिए, मदद करना चाहिए। अभी भी वहाँ के 11 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं और 2 लोग फरार चल रहे हैं। अभी जनता का थोड़ी नाराजगी है। और कानून व्यवस्था की अगर बात करें, देखिए घटनाएं तो जगह जगह होती रहती, कानून व्यवस्थाएं जैसे बदमाशों के ऊपर, गुंडों के ऊपर लगाम लगाई गई है सरकार ने, वो बहुत अच्छा, जनता बहुत खुश है। लेकिन एक तरफ जनता नाराज भी है, थोड़ी महंगाई का मुद्दा है, बिजली के रेट बढ़े हैं उत्तर प्रदेश में, सरकारी डिपार्टमेंट में काम नहीं होता जल्दी, जनता इसलिए। लेकिन जनता का मूड है कि योगी सरकार दोबारा आनी चाहिए। कुछ लोग नाराज हैं, कुछ लोग बहुत ही खुश हैं। सरकार को भी ध्यान देना चाहिए इस चीज़ में कि जनता के समस्याओं पे खरा उतरे, जो उनको दिक्कतें हो रही हैं। सरकार आदेश तो कर देती है, लेकिन यहाँ के जो निचले अधिकारी होते हैं वो दरकिनार कर देते हैं सरकार के आदेशों का, इसलिए जनता बड़ी परेशान होती है। इस चीज़ को देखना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग जातिवाद का विरोध करते हैं कि जातिवाद हो रही है, कुछ लोग सहमत हैं, कुछ लोग नहीं सहमत हैं, इस तरह मुद्दे उठे हुए हैं। लेकिन देखना चाहिए सरकारों को भी। आप देख सकते हैं देवरिया में जिस तरीके से घटना हुई है, उसमें डिप्टी सीएम गए थे और भी नेता गए थे, सलभ मल्ली वहाँ के विधायक हैं, वहाँ आना जाना लगा हुआ है उनका। कानपुर में घटना हुई, कानपुर में लेकिन कोई नहीं गया, 1-2 विधायक खाली गए थे भाजपा के, 5 लाख की मदद की आश्वासन दे के आए हैं। लेकिन विश्वकर्मा समाज भी इससे नाराज है कि हम लोग वोट दे रहे हैं। विश्वकर्मा समाज का ये भी कहना है कि हम लोग 5-6 करोड़ की आबादी है पूरे उत्तर प्रदेश में, उसके बाद भी अनदेखा किया जा रहा है, इससे काफ़ी नाराज भी हैं। जनता का मूड यही है, सरकार बना रही है, विकास भी कार्यों में बहुत अच्छा हो रहा है। कानपुर मेट्रो हो गई, जगह जगह शहरों में मेट्रो हो गई, साफ सुथराई हो गई है। थोड़ा सा सरकार को ध्यान देना चाहिए अधिकारियों के ऊपर। अधिकारियों के ऊपर जब तक लगाम नहीं लगेगी तब तक दिक्कतें होती रहेंगी। अधिकारियों को कस के आदेश देना चाहिए कि जनता परेशान न हो किसी चीज़ का। स्मार्ट सिटी जैसे कानपुर की आप बात कर ले, स्मार्ट सिटी कानपुर में बहुत विकास हो रहा है, फ्लाईओवर बन रहे हैं, मेट्रो बन के तैयार हो गई, नौस्ता वाली अभी चालू होने वाली है, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं। इसी मुद्दे पे आज हम बात कर रहे थे आपसे, जनता पे रूबरू हो रहे थे, जनता की क्या मांगे हैं। सरकार का कार्यकाल अच्छा चल रहा है, बस थोड़ा सा इन अधिकारियों के ऊपर थोड़ा लगाम कर दें तो बहुत अच्छा रहेगा। आपको ये खबर कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत।